ये कौन सी फिश है भाई? ये सिल्वर फिश। सिल्वर फिश। स्मोकी सिल्वर फिश। मेरी फिश वहाँ पड़ी है, अभी इसको थोड़ी देर में फ्राई करेंगे। कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने हाथों से उसको डाल सकूँ फ्राइंग, जो बड़ा जो कढ़ाई है पैन के अंदर, और सब गुड गुड हो जाए। ये मेरी फिश तैयार हो रही है, सिल्वर फिश, सो काइंड ऑफ हिम कि मैं ये पानी से निकल के जो है कढ़ाई में डुबकी लगाने चली गई। आपने देखा होगा कि उन्होंने निकाला है फुल फिश को और उन्होंने साइड चेंज की है। आपको उनके डिस्प्ले में भी जो है फिश नजर आ रही होगी। देखें यार, मजा आ गया यार, अभी से भूख लगी स्मोकीज की। टेस्ट आपको मैंने दिया सारा सीने वाला, वाह दिल खुश कर दिया। खाने का मजा आएगा भाई, मैंने उतार दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा पीस दिया कि खाने का भी मज़ा आएगा फ्राई होने के बाद। थैंक यू सर। नींबू लगाया जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। नींबू बन गई? नहीं। अच्छा अभी बनी नहीं है, अभी ये नींबू लगा के ना उसको फिर दोबारा एक बार इसको ये फ्राई करेंगे। ये क्रिस्पी करने के लिए रेसिपी, ये क्रिस्पी करने के लिए रेसिपी है ताकि फिश आपकी क्रिस्पी हो जाए। तो ये लेमन उसको जो है दोबारा इसका छिड़काव कर रहे हैं ताकि ये जो है क्रिस्पी हो जाए। वाह, अब इसको वापस डालेंगे। अभी जो है थोड़ा सा उसको रखेंगे ताकि फिश जो है थोड़ा सा वो ऑयल जो है वो जज़ब हो जाए, लेमन उसके अंदर जज़ब हो जाए, उसके अंदर जो है लेमन के अंदर। तो फिर दोबारा डीप पैन के अंदर लेमन है और रोटी नहीं पहले साथ चपाती। एज यूजुअल मैं नान नहीं खाता, मैं एक्चुअली चपाती पसंद करता हूँ। बहुत मजा बना। इनकी सलाद बहुत जबरदस्त होती है, सैलेड खत्म हो गया लास्ट टाइम जिस वीडियो में दिखाया था सैलेड की। सैलेड को मिस कर रहा हूँ वरना बस, फिर भी बहुत मजेदार। मच्छी के साथ चटनी, भाई को भी सैलेड नहीं दिया मच्छी के साथ, ठीक हो गया। आपने सैलेड कर बात नहीं करेंगे तो भाई का मतलब नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि
सैलेड, आपकी सैलेड भी बहुत आला होती है और उसका भी नशा होता है, लेकिन वो तो बाकी के साथ खाते ही रहते हैं। उसके अलावा जो है लास्ट वीडियो में दिखाया भी था आपको सैलेड, तो आज सैलेड के बगैर भी मजा आ रहा है, चटनी बहुत ज्यादा मजा दे रही है, चटनी के साथ भी टेस्ट जो है ज्यादा और अच्छा हो जाता है। चटनी गारंटी शुदा पानी से पाक, देख लें पानी से पाक है, प्योर चटनी कलर से ही पता लगता है, आप देख सकते हैं। बहुत आला बॉस मैनेजर, बहुत आला इन्होंने पर अपने हाथों से फ्राई की, बहुत अच्छी पीस दी है मुझे, 7 पीस का पूरा पीस अनकट। इसमें बड़े कांटे होते हैं तो डरने की जरूरत नहीं होती कि भाई छोटे कांटे के गले में फंस ना गए। ये इसका थिनेस्ट कांटा मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइज का होता है। आओ। तो मैं भी बेधड़क खा रहा हूँ और डर नहीं है, चटनी के साथ और रोटी के साथ प्योर चटनी, इनकी सलाद भी बहुत मज़ेदार होती है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था। ओके गाइस मैं खाता हूँ फिर बात करती हूँ। फिश हो या बारबेक्यू हो, उसके साथ स्प्राइट ना हो या प्योर सोडा ड्रिंक ना हो तो मज़ा नहीं आता। 7 रुपये किलो, 9 रुपये किलो। चटनी बहुत आला बन, काफ़ी खा चुका हूँ, ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश लेनी कि अच्छा ही बहुत अच्छा बने, चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ। इतनी टेस्टी बनी ना यार, ये नहीं कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, आप सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यार इतनी ज़बरदस्त इन्होंने टेस्ट दिया इसको मसाले के साथ। प्लीज़ आई ट्राई करें, कोई फ्री में नहीं खा रहा, पैसे देता हूँ ऑनेस्टली। लेकिन ये कि जो चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को या दुनिया में किसी को दिखा सकूँ तो मेरी कोशिश है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ उसको मिले और पाएँ। तो ये स्मोकीज की फिश है, बहुत आला है, और अभी मैंने कहा कि यार अपने घर वालों के लिए भी बनाना चाहता हूँ, तो भाई से मैंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी सी और फिश बना दें, तो वो राज़ी हो गए क्योंकि ये फिश के पीसेज होते हैं, बुजुर्गों के लिए लेके जा रहा हूँ तो पति वो इतना खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से फर्ज को पूरा करना है, मज़ा आ गया।